नमस्कार, न्यूज़पुर बिहार में आप सभी का स्वागत है। सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड मुख्यालय से सटे शहीद मैदान में शहीद भगत सिंह क्लब द्वारा आयोजित एसपीएस कप 2020 का शुभारंभ पूरे धूमधाम से हुआ। आपको बता दें कि प्रखंड क्षेत्र के दिघवलिया निवासी अमरजीत सिंह 17 जून को पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। उनके चाचा संतोष सिंह के द्वारा और रघुनाथपुर प्रमुख विनोद सिंह के द्वारा मैच का शुभारंभ किया गया। गोपालगंज टीम के कप्तान राहुल गिरी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवर के खेल में खराब खेल का प्रदर्शन करते हुए गोपालगंज की पूरी टीम 14 ओवर में मात्र 48 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में एसबीएस कप 2019 की चैंपियन मुजफ्फरपुर की टीम ने एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से गोपालगंज को पराजित कर सेमीफाइनल में पहुँच गई। रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स के सौजन्य से उद्घाटन मैच का टॉस चांदी के सिक्के से किया गया, जो गोपालगंज के कप्तान राहुल गिरी ने जीता। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख विनोद कुमार सिंह, उप प्रमुख रोहित यादव, भीम पांडे, नरहन मुख्यापति सुनील सिंह इत्यादि मौजूद थे। अमरजीत सिंह के परिजन, उनके पिताजी बहुत जल्द शहीद मैदान में होंगे। यहाँ से इस तरीके की सबसे पहले अपने क्लब की तरफ से नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और यह टूर्नामेंट आयोजन कराने का उपलक्ष्य है कि युवाओं के अंदर जोश भरना और हमारे यहां से भी खिलाड़ी आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इंडिया के लेवल खेले। तो हम यहां पे शहीद के नाम से यह आयोजन कराते हैं, और जो भी हमारे प्रखंड के शहीद होते हैं हम उनको सम्मानित करते हैं। और शहीद के नाम पर हर साल ये यहाँ टूर्नामेंट होता है। यहाँ के जनता के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि वो लोग भी अपने सहयोग से इससे भी बढ़ चढ़ के इस तरह का टूर्नामेंट कराएं, वो लोग को इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग करें, तो यही संदेश देंगे। यही संदेश देंगे कि हमारे यहाँ आज 15वां साल से टूर्नामेंट हो रहा है शहीद भगत सिंह क्लब के लिए, इसलिए उसमें तो मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे अध्यक्षता में ये 5वां साल हो रहा है। और रही बात सुना ये थी खिलाड़ी की मुजफ्फरपुर और गोपालगंज की, तो मुजफ्फरपुर से पहले पिछले साल फाइनल खेल चुकी है, विजेता है, और लगता है कि अभी भी वो विजेता होगी। गोपालगंज की टीम पहले पिछले साल नहीं आई थी, लेकिन अब की आई है।